आप सबके माध्यम से जो बात मैं रखना चाहता हूँ, पुलिस हमेशा अपना 100% प्रयास करती है, और ऐसा नहीं है कि इसी क्राइम में हर क्राइम में करती है। एक तो नफरी की कमी के कारण कई बार हमको कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सा काम प्राथमिकता पे है। बाई एंड लार्ज जिससे सोसाइटी इम्पैक्ट होती है बहुत लार्ज स्केल पे, उस काम को बटोबियस एक हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। उसी तरह का एक ये घटना थी जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित हो रही थी, दहशत का माहौल बन रहा था, तो हमने पूरी पुलिस फोर्स को लगा करके, टीमें बना करके, पूरे जिले को की फोर्स को मोबिलाइज करके हमने कोशिश की। हमारा ध्येय था कि भाई 24 घंटे में किसी भी तरीके से हमला पकड़ लें, और हमने कर भी दिखाया। हमारी मेहनत थी, कुछ ईश्वर का आशीर्वाद था कि हम जल्दी कर पाए। लेकिन समाज में हमेशा पुलिस से जो एक्सपेक्टेशन है समाज की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही। हम भी समाज का ही हिस्सा हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है जिसको अपराध हुआ और सब कुछ पता है, रोज आगे भाग के पकड़ लाएगा। प्रयास ही कर सकते हैं, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं है, हम भरसक प्रयास करते हैं। तो जो हमें देखने में आता है कि समाज में विशेषकर अधीरता बहुत ज़्यादा आ रही है, कि जैसे ही कोई क्राइम घटित हुआ अगर पुलिस नहीं कर पाई तो बड़ा अधीर होकर के पुलिस को मतलब बुरा बड़ा कहना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी क्राइम को रोकने में जानी चाहिए वो भटक जाती है और वहाँ लग जाती है। तो आप लोग जिस तरह का सपोर्ट आज हमें यहाँ दे रहे हैं, अगर ऐसा ही सपोर्ट पूरा समाज हमें दे तो हम इससे भी बेहतर करके दिखा सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सम्मान समारोह रखा गया है। इंद्र हिसारिया पर फायरिंग की जो घटना हुई थी उसमें पुलिस द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई उसको लेकर के सर्व समाज के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आपके माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर समाज का इसी तरह सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद बना रहे तो पुलिस इससे भी बेहतर काम करके दिखा सकती है। नशे के खिलाफ अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को कंपैरिजन करें तो लगभग 50% से ज़्यादा केसेस एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड किए हैं, और क्वालिटी अगर हम उन केसों की देखें तो सीजर बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान से आई हुई 1.5 किलो स्मैक का भी सीजर हुआ है, और डोडा के लगभग 8-8 क्विंटल के 3-4 सीजर हुए हैं, गोलियों के 1-1 लाख गोलियों के सीजर हुए हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही तरह से अच्छे केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन पंजाब से लगती हुई सीमा के कारण या नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। अभी जो मेन एक्यूज़ हैं उन सबको तो हमने अरेस्ट कर लिया है, और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से इनको शेल्टर दिया या इनको क्राइम करने के लिए सपोर्ट किया, उन सब का हम इन्वेस्टिगेशन में आगे उनका रोल एग्जामिन कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में हम अगर किसी का कुछ भी रोल है जिससे अपराध घटित होना पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन दान मंडी के अंदर जो दुकान पर गोली चली थी उसके मामले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर खुलासा करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने पर पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने पर आज प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा SP हनुमानगढ़ का सर्किट हाउस में इस बात को लेकर अभिनंदन किया गया कि पुलिस की सतर्कता से जहां एक ओर अपराधियों को पकड़ने में प्रयास हुए हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के अंदर भी यह विश्वास जगा है कि पुलिस ने किस प्रकार तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो दान मंडी में गोली चलाने आए थे उनको पकड़कर एक तरह से व्यापारियों के और यहाँ के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का प्रयास किया है। आइए सुनाते हैं कि इस मौके पर विजय सिंह चौहान का क्या कहना है, सुनिए। आज शहर के गणमान्य लोगों द्वारा और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि अक्सर हम लोग पुलिस की कार्यशैली पे हमेशा उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को अच्छा काम करे तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें ऐसे अधिकारी को, ऐसे कर्मचारियों को हम प्रोत्साहित करें, उन्हें उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में आज सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और शहर के गणमान्य लोगों द्वारा आज परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह जी का यहाँ स्वागत किया गया, और अजय सिंह जी ने ये जो बुरी जो कार्रवाई है, जो इससे पहले की कार्रवाई या जो अभी
जो दो 4-5 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें उन्होंने पूरी जो शे अपनी पूरी टीम को दिया है और उन्होंने एक आशा करी है कि जो पुलिस के पास भी जो संसाधन है वो पर्याप्त हैं, हमें जनता का सहयोग मिले और जनता हमें कोऑपरेट करे तो हम लोग अच्छा अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं। तो आज इस तरह से हमने पूरे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आज SP साहब और उनकी टीम का सम्मान किया। ज़िले के अंदर पुलिस के द्वारा अगर अच्छा काम किया जाए तो समाज को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, अगर कोई कमी है तो उसको भी उजागर करते रहना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।